गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड, चैप्टर नंबर 9, भारत देश महान। देखिए, कल हम आपको ये लेसन का पोयम बताए थे और भारत देश महान था। पोयम को हमने आप अर्थ भी बताए थे। पोयम केवल 6 लाइन का था। इसको हमने कहा था कि आप राइट कर लेंगे, तो आप इसको राइट कर लिए होंगे। बहुत हार्ड पोयम नहीं था, इजली था और लाइन भी कम था, 6 लाइन का ही पोयम था। आप इसको राइट कर लिए होंगे, लर्न कर लिए होंगे। इसके बाद इसका जो अभ्यास क्वेश्चन था, करेक्ट द टिक आंसर, यानी सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ये आपको हमने करवा दिए थे। और जो पोयम कंप्लीट करना था उसको भी हो गया था, क्वेश्चन आंसर इसका लिखवा दिए थे। अब आइए चलते हैं शब्द बोध। क्या है शब्द बोध में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आंसर हम आपको बताते हैं। आइए, ये भी आप बहुत ही कर लेंगे। बुक वर्क पे ही करिएगा। शब्द बोध, पहला क्वेश्चन है शब्दों के अर्थ लिखिए। क्या लिखना है, इसको आप बुक में ही राइट कर लेंगे। न्यारा, निराला, महान, बड़ा, जग, संसार, मान, सम्मान। अब आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। अभी शब्द बोध का ही है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। दिए और अंग है
बच्चा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, छुट्टी यानी बड़े की मात्रा है ना, इसको बहुवचन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए जहां पे बड़े बड़े की मात्रा होती है, अगर उसको आपको कह देता है कि आप इसको बहुवचन में बनाइए, तो तुरंत आप क्या करेंगे, बड़े की मात्रा को छोटी की मात्रा लिखकर और यहाँ उसमें जोड़ देंगे छुट्टियां। क्या हो जाएगा इसका? बहुवचन हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी दिया है कहानी, नी में बड़ी की मात्रा है, हम क्या कर देंगे, नी या बच्चों, बच्चों भी जोड़ सकते हैं, बच्चे भी जोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा इससे? ये बहुवचन बन जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए, छुट्टी का छुट्टियां, कहानी का कहानियां, चट्टान चट्टाने, अध्यापक अध्यापकों, बच्चा बच्चे, ये हो गए इसका बहुवचन। यानी इसमें एक बच्चा है और इसमें कई बच्चे हो गए, यानी यहाँ पे लिख लिए होंगे। अब आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। ता जोड़कर नए शब्द बनाइए, नए शब्द बनाइए, ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखिए कौन है? सुंदर प्लस ता। ख है दौड़ प्लस ता। ग है पकड़ प्लस ता। घ है र प्लस ता। अंग है च है वीर प्लस ता। अब देखिए इसको जोड़ के नया शब्द बनाना है, तो सुंदर के ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
वीरता, ये आप इसको राइट कर लीजिए। ऐसे ही आप बना सकते हैं और जैसे ध र प्लस ता धरता ना, कर सकते हैं ना। रूप धनता रूपता, कुरूप धनता कुरूपता। तो आप अपने से भी ता शब्द का कोई भी वर्ड शब्द लिख सकते हैं, ता जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं। इसको आप कर लीजिए, इसको आप अपनी कॉपी में ही राइट कर लीजिए। कर लिए होंगे, करते हैं बाकी चलते हैं। आगे है व्याकरण बोध। व्याकरण देखिए, व्याकरण बोध में दिया है, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए और पढ़िए। पहले तो वाक्य पूरा करना है, उसके बाद इसको पढ़ना है। तो पहले वाक्य क्या दिया है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। दिए गए शब्दों की वाक्य क्या क्या दिया है, सफेद तीन सलाम नीला चक्र तिरंगा केसरिया हरा। ये शब्द दिया गया है, इतना इन्हीं में से छांट कर लिखना है। या खाली स्थान झंडा है, इसमें रंग है, सबसे ऊपर खाली स्थान रंग है, बीच में रंग है, सबसे नीचे देखिए इसमें क्या दिया है, तिरंगे के बारे में लिखना है। नीचे रंग है, बीच वाली पट्टी पर एक
एक है हम तिरंगे झंडे को खालिस्तान करते हैं। देखिए अब इसको पूरा कंप्लीट करके पढ़ना है। तो यह झंडा है, क्या है? तिरंगा। क्या है? तिरंगा करेंगे। यह तिरंगा झंडा है, इसमें तीन रंग है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में कौन सा रंग है? सफेद रंग है। सबसे नीचे हरा रंग है, बीच वाली पट्टी पर क्या है? नीला चक्र लेकिन रहेगा यहाँ पे कॉमा दे दिया है, नीला चक्र। और हम इस तिरंगे झंडे को क्या कहते हैं? सलाम। तो अब इसको पढ़िए। यह तिरंगा झंडा है, इसमें तीन रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग है, सबसे नीचे हरा रंग है, बीच वाली पट्टी पर एक नीला चक्र है। हम तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं। आप इसको राइट कर लीजिए, फिल कर लीजिए। बुक में ही फिल करना है, बुक में ही फिल कर लीजिए। ये राइट कर लिए होंगे। अब देखिए एक्टिविटी में रचनात्मक कार्य में दिया है, दिए गए चित्र में नमूने के अनुसार रंग भरिए। ये जो फव्वारा यानी जो अभी देखिए यहाँ पे पानी जो है वो फेंक रहा है फव्वारे में से, तो इसमें से देखो दिए गए चित्र में नमूने के अनुसार रंग भरिए। जो नमूना आपका ये छोटा सा जो दिया गया है नमूना, इसी कलर करना है। तो ये आप सेल्फ करेंगे, इसमें कलर आप खुद करेंगे, ये आपका एक्टिविटी है। तब तक के लिए इसके बाद कल हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो आप देखते रहिएगा और इसको लर्न करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट।